Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मुजो स्टोरी। लखीमपुर हिंसा में नक्षत्र सिंह नाम के एक बुजुर्ग किसान की भी मौत हुई थी गाड़ी के कुचले जाने की वजह से। जो विजुअल आपने देखे होंगे उसमें सबसे पहले गाड़ी जिन्हें हिट करती है वही बुजुर्ग किसान है नक्षत्र सिंह। आज हम उनके परिवार के बीच में हैं और समझेंगे कि कैसे उन्हें इस पूरी घटना का पता चला और वो आगे जांच में या फिर और भी आगे किस तरह से क्या चीज़ें चाहते हैं। तो हमारे साथ उनके बेटे हैं और उनकी पत्नी भी हैं। कैसे आपको इस घटना के बारे में पता चला, क्या कुछ? हम लोग को तो कुछ पता नहीं, हम लोग तो उनको देखते रहे, 4 बजे तक फ़ोन करते रहे। रात में जब पिक देखी तब हम लोग को पता लगा, जब उसमें फोटो आई। हम लोग को कुछ नहीं पता, घर के लोग या फिर गांव के लोगों से कुछ भी नहीं पता चल रहा है जी? नहीं, बस हम लोग ने अपने व्हाट्सएप पर देखी बस। यहाँ गांव से कितने लोग उस किसान का जो कॉल था उसमें गए थे? यहाँ से उसमें हमारे यहाँ से तो एक ही जना यही गए थे गांव से, बाकी इधर टापरपुरवा में गए थे, टापरपुरवा से। वहाँ से पता नहीं कितने गए, ये नहीं हम जानते। किसानों का जो यहाँ कॉल होता था या जो आंदोलन यहाँ जो होता था उसमें वो लगातार जाते रहते थे जी? कभी ऐसा जाना ही नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब से जब से ये धरना चालू हुआ है तो वहाँ इतनी दूर तो नहीं जा पाए वो। तो यहाँ वाले धरने पे उन्होंने कहा कि चलो एक बार हम देख के आएँ वहाँ पे क्या है, क्या होता है, क्या वो सुनते हैं, मंत्री क्या कहते हैं। तो बस वो देखने ही वहाँ पे इस बार गए थे, तो देखने वापस नहीं आए। मतलब वो पहली बार ही किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पहली बार ही गए वहाँ पे, तो बस ये सब कुछ हो गया। कैसे मतलब आप लोगों को जानकारी मिली, किस समय ये 3 बजे के आसपास की ये घटना है आप लोगों को? ये पहले तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब 4:15 बजे के आसपास जब वहाँ पे ये पता लगा कि वहाँ भगदड़ मची है काफ़ी, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोन करने जब चालू किए तो फ़ोन करते 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 7:15 बजे के आसपास क्लियर हुआ। जब दोबारा बॉडी लखीमपुर से तकोनिया पहुँची है तब पता चला है कि हाँ कि ये हादसा हुआ है। तब तक बस फ़ोन ही चल रहे थे बस ये हुआ। एक चीज़ जो हम आपको बताना चाहेंगे कि आम तौर पे जब से ये किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तब से यह कहा जाता था कि ये किसान नहीं है। एक बहुसंख्यक लोग ये कहते थे कि ये तो किसान हो ही नहीं सकते और तरह तरह के जो टैग हैं उन पे गढ़े जाते थे। लेकिन नक्षत्र सिंह के एक बेटे सीमा सुरक्षा बल में हैं और वो पहले से ही चाहते थे कि वो अपने बेटे को सेना में भेजें और वो देश की रक्षा करें। आप बताएंगे कि वो मतलब कैसे भेजना चाहते थे? अब आपका मतलब आपके वो बेटे सिर्फ 2-3 दिन के लिए यहाँ आ पाए और आज फिर ट्रेनिंग के लिए वापस लौट गए। उनका यही सपना था कि हमारा बेटा फौजी बने, इसीलिए उसको वहाँ भेजा। ये तो उस दिन जब उसको वहाँ पता लगा तो उन्होंने वहाँ से उनको कमांडर लोगों ने उनको छुट्टी दी 4 दिन की, आज फिर चले गए बेचारे। उनका तो यही सपना था बस, भी हमारे बेटा देश की सेवा करे। हमारे बेटे का भी सपना था, उनका भी यही सपना था, दोनों का ही। अच्छा, जब कोई ये कहता है कि ये लोग तो किसान हैं ही नहीं, किसान ये काम करते ही नहीं, और एकदम ऐसे ही खारिज कर दिया जाता है कि ये लोग तो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आपका बेटा भी सेना का जवान है और आप लोग भी अन्न उपजाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब ये कहा जाता है आप लोगों को? ये तो लोगों की बातें हैं, हम लोग किसान आप खुद देख रहे हैं, हम लोग किसान हैं ही। हम लोग बेटा भी इसीलिए फौज, अपने बेटे को कह रहे तुम वहाँ सेवा करो, हम यहाँ अपने खेत की सेवा किसानी करेंगे। तो बेटे और 2-3 दिन नहीं रुक पाए यहाँ? नहीं, उनको 4 दिन की छुट्टी मिली थी बस, वही देखने आए थे बस, उसके बाद ट्रेनिंग उसकी भी थी इसलिए।
सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं कानून के खिलाफ? मैं चार सवाल आपसे, आपकी पूरी मीडिया प्रभारी से, प्रवक्ताओं से, रिपोर्टरों से, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म है, आप लोगों से मैं चार सवाल पूछ रहा हूँ, जो जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जिनको जिनको आप मेरी आवाज़ सुनाएंगे, मुझे आज शाम तक आप सब लोगों से ये सवाल का जवाब चाहिए। जब प्रशासन ने वो रास्ता डाइवर्ट कर दिया था, उस रास्ते पे केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे कैसे आए? मेरी आवाज़ को अच्छे से दोबारा फिर से सुनिएगा। जब प्रशासन ने वो रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया था कि वो केंद्रीय मंत्री का लड़का वहाँ पे कैसे आया? जितने भी मीडिया प्रभारी, जितने भी केंद्रीय प्रभारी हैं, या थोड़ा सा रुकना चाहूँगा, क्या उन्हें दूसरा रास्ता दिया गया था कि आप यहाँ से वापस लौट सकते हैं? जब वहाँ जब उनका जब वहाँ से उस रास्ते से निकलने का रूट डाइवर्जन कर दिया गया था, तो मोनू मिश्रा वहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री का लड़का वहाँ पे कैसे आया, ये मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि पाँच दिनों तक कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद संज्ञान लिया, और उसके बाद आज स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी थी सुप्रीम कोर्ट में पुलिस को, लेकिन अब खबर आ रही है कि लोकेशन ही ट्रेस नहीं हो पा रहा है आशीष मिश्रा का, वो शायद नेपाल चले गए हैं। अब वो आपको लगता है कि इस तरीके से अगर कार्रवाई चलेगी तो न्याय मिलेगा? जब मैं वही तो कह रहा हूँ, जब रूट डाइवर्जन होने के बाद भी उनका लड़का वहाँ से निकला है, इसके पीछे कौन है? सवाल उठता है यहाँ पे कि कौन है इसके पीछे, पूरे इस कांड के पीछे? वो तो वहाँ पे खाली हत्या करने आया था ना, जब वो रास्ता उसका था ही नहीं निकलने वाला, रूट डाइवर्जन हो गया था, जो उनके साथ मिश्रा के साथ में किसने आना था, वो केशव मौर्या ने, जब वो रास्ता वहाँ से डाइवर्जन चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये वहाँ पर आए कैसे? इस सवाल का जवाब मैं आपसे मांगता हूँ, हमें आप शाम तक ही जवाब दीजिए, अगर आप लोग दे पाए तो। मैं ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लेने के बाद थोड़ी तेज़ी आई तो कल समन जारी करने के लिए एक नोटिस चिपकाया गया, लेकिन आज आशीष मिश्रा भाग जाते हैं, अब पुलिस की नज़र में वो अब है ही नहीं। आपको लगता है कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, और अगर ऐसे चलता रहा तो आप लोगों को, पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? अब इसके लिए क्या बताएं, जब सरकार जब सब मिली जुली है तो उसमें कुछ बोल नहीं सकते हम लोग तो, लेकिन कोशिश ये कि उम्मीद हमें है फिर भी प्रशासन पे, कि प्रशासन धोखा नहीं करेगा हम लोग के साथ, प्रशासन कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर करेगा, क्योंकि प्रशासन ये जानता है अगर आज ये इनके सगे नहीं तो कल हमारे सगे कहाँ से होंगे। अच्छा इस पे क्या कहना चाहेंगे, अगर कोई आप लोगों को किसान मानता ही नहीं है, एक बड़ी आबादी लिखती है ऐसा, लेकिन आपके भाई सीमा सुरक्षा बल में हैं, सेना के जवान हैं, सिर्फ दो दिन की छुट्टी पे वो आ पाए और फिर वापस चले गए, आप लोग अन्न उपजाते हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? ये तो इतिहास कहता है कौन किसान है कौन फौजी है, ये तो इतिहास बोलता है, बॉर्डर से लेके यहाँ तक के सब सिखों ने रोका हुआ, ये तो सब दुनिया जानती है, तो इसके लिए इसमें डिबेट करना बेवकूफ़ी है। फिलहाल मुद्दा, मेन मुद्दे पे आप आइए, मेन मुद्दे से बाहर हम ना कहीं जाना चाहते हैं, हम मेन मुद्दे की बात पे यहीं आते हैं, हमें न्याय चाहिए, हम प्रशासन से इसके लिए इस चीज़ का जवाब मांगते हैं कि हमें इस बात का जवाब दिया जाए बस, और हमें कुछ नहीं कहना किसी से। आपको उम्मीद है कि न्याय मिल पाएगा आगे जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है? देखिए उम्मीद तो है, अब आगे उनकी मर्जी, हमको सरकार से पैसा नहीं चाहिए, बेशक अपना अकाउंट नंबर दें हम पैसा वापस कर देंगे, हमको हमारा आदमी ला दें बस, जो वो करना चाहते हैं तो हमारे लिए कुछ करें, हम बस यही चाहते हैं उनको अरेस्ट किया जाए। जब उनका अलाउंस हो गया था बेशक, वो तो मिलने गए थे उनसे गृह मंत्री से, किसान तो मिलने गए थे, जब उनको अलाउंस हो गया था आप लोग घर जाइए आप गृह मंत्री नहीं आएंगे, तो फिर वो पीछे से गोलियों की बौछार करते क्यों आए, गाड़ियों से अटैक करते क्यों आए, वो तो पीछे घूम रहे थे अपने घर के लिए आ रहे थे। वो आंदोलन, वो मतलब जिस भी कॉल पे गए थे वो वहाँ से कार्यक्रम खत्म होने का तो वापस आ रहे थे अपना, वो तो कोई जंग करने नहीं गए थे वहाँ पर, ये तो बात में उनके साथ धोखा हुआ है, नहीं तो उनको ये चाहिए नहीं था भाई हम गोलियों को बिछा कर अटैक करते सबको कुचलते जाए, ये तो उनके। अच्छा आगे कार्रवाई भले उत्तर प्रदेश पुलिस ये कह रही थी कि हम करेंगे, लेकिन अभी जो मुख्य आरोपी हैं अजय मिश्रा के जो बेटे, हाँ वो फरार चल रहे हैं, पुलिस उन्हें खोज नहीं पा रही बस है। हमको इंसाफ चाहिए,
हमको इंसाफ चाहिए बस, हमको उनको अरेस्ट होना चाहिए बस, उनको सजा होनी चाहिए। तो ये हमने नक्षत्र सिंह जी के परिवार से बातचीत की और उनका यही कहना है कि उन्हें मुआवजे के पैसे नहीं चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए। सरकार चाहे तो पैसे उनसे वापस ले ले। और अभी जो अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने की आज अपील की थी, तो आज उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेटस रिपोर्ट जारी करेगी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कल समन जारी करने के बाद आशीष मिश्रा पहली पेशी में शामिल नहीं हुए और हो सकता है कि वो कहीं फरार हो गए हों। तो आगे किस तरीके से कार्रवाई ये चलती है, क्या आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश होते हैं या नहीं, और आगे कार्रवाई के ज़रिए पीड़ितों को न्याय मिल पाता है या नहीं, ये देखना अहम होगा। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश लखीमपुर खीरी से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.